नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उस बयान को लेकर मौलाना तौकीर ने धमकी दी है कि हम नुपुर के खिलाफ जो है इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करेंगे। सुश्री नुपुर शर्मा को जो जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसके विरुद्ध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा 18 जून 2022 को अपना काली पट्टी बांध कर इसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जाहिर करेगी। देश की बेटी सबकी बेटी है, उसके इंसाफ होना चाहिए। अगर उसने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए न्याय है, न्यायपालिका है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर वैसे तो पूरे देश में हिमायत और मुखालफत का माहौल है, लेकिन जिस तरह से बरेली का माहौल है उसमें तनातनी साफ दिख रही है। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली की बात करें और उसमें नुपुर शर्मा के मामले को देखें तो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक घमासान मचा हुआ है। मौलाना तौकीर रजा खां गिरफ्तारी की मांग को लेकर 19 को धरना देंगे, लेकिन उससे पहले हिंदू संगठन भी नुपुर शर्मा की हिमायत में आगे आ चुके हैं। अखंड भारत सेवा ट्रस्ट, करणी सेना, ब्राह्मण सभा के बाद आज बजरंग दल ने भी नुपुर शर्मा की हिमायत में आवाज़ बुलंद की है। बजरंग दल का कहना है कि जिस तरह से विरोध हो रहा है वो ठीक नहीं है और हम समर्थन करेंगे। जिस तरीके से देश में एक इस्लामिक आतंकवाद का माहौल छाया हुआ है, हिंदुओं का धर्म पूछकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं, इसके विरोध में आज हम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देना चाहते हैं। आए दिन जो शहर का माहौल चल रहा है, हमारे प्रदेश में हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन पर आत्मघाती हमले किए जा रहे हैं, इसकी निंदा के चक्कर में आज हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति संबोधन में ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं। जाहिर सी बात है, जब मौलाना तौकीर रजा खां का धरना होगा तो जवाब में हिंदू संगठनों ने भी कह दिया है कि वो सड़कों पर निकलकर आएंगे। ऐसे में पुलिस हरकत में है, खास तौर से जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग आपस में भिड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें पुलिस अलर्ट है और अब तक 6 मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। इसे रोकने के लिए एक प्लान तैयार किया है, वो प्लान IG रमित शर्मा का है। रमित शर्मा ने इसे लेकर डिजिटल वॉलंटियर तैयार किए हैं पूरे रेंज में। उनकी मीटिंग की थी, उन्हें समझाया गया है कि अगर सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो पुलिस को अलर्ट किया जाए, बताया जाए। उन्हें एक तरह से ट्रेनिंग दी गई है इस बात के लिए कि सोशल मीडिया की बदौलत जिस तरह से माहौल ख़राब हो रहा है उसे रोकने में डिजिटल वॉलंटियर की क्या जिम्मेदारी है। आइए हम आपको पहले IG रमित शर्मा की बात सुनवाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से मौलाना तौकीर रजा खां के जवाब में हिंदू संगठनों ने आंदोलन का बिगुल फूंक रखा है। बरेली रेंज के सभी जनपदों में डिजिटल वॉलंटियर्स की बैठक की गई है। डिजिटल वॉलंटियर्स वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे पुलिस के साथ में वॉलंटरली जुड़े हुए हैं और पुलिस के साथ में जो काम नॉर्मल समय पे पीस कमेटी मेंबर्स करते हैं वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिजिटल वॉलंटियर्स वो कार्य करते हैं। हर थाना क्षेत्र में लगभग 250 लोग डिजिटल वॉलंटियर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज उसमें से हम लोगों ने हर थाना क्षेत्र से जो है वो 20-20 वॉलंटियर्स हर जगह पे बुलवाए थे। इन वॉलंटियर्स के द्वारा आज विस्तृत रूप से उनके संग चर्चा की गई। ये बताया गया कि उनका काम है कि अगर कहीं पे कुछ गलत संदेश चल रहे हैं तो वो पुलिस तक ज़रूर पहुंचाएं। पुलिस की बात जो है उनके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, ये कार्य भी उनको करने के लिए बताया गया है। बहुत सकारात्मक रूप से ये बैठक सम्पन्न हुई है और पुलिस का संदेश उन सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, सभी लोग जो हैं उन तक ये बात पहुंचे कि पुलिस जो है वो अच्छे लोगों की सेवा करने के लिए है और दुष्टों को दंड देने के लिए है। धार्मिक रूप से कोई टिप्पणी कर रहा है या कोई भड़काऊ मैसेज जो कि लीगली करेक्ट नहीं है, इस तरह से अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा कायम करके हम लोग कार्य कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह का आदमी है जिसको समझाया जा सकता है या बच्चा है तो डिजिटल वॉलंटियर्स को यही बात की गई है कि किस ग्रेड पे कार्य करना है उस हिसाब से वो हमें बता दें, जिससे जो नए बच्चे हैं या नए लोग हैं जिनको अभी नहीं बहुत समझ है उनको काउंसलिंग की जा सके, उन्हें समझाया जा सके और अगर कोई जानबूझ के लॉ के अगेंस्ट जा रहा है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकें। अगर हम अखंड भारत सेवा ट्रस्ट, करणी सेना, ब्राह्मण सभा और बजरंग दल की बात करें तो इन सब का यही कहना है कि मौलाना तौकीर रजा खां का धरना होता है 19 जून को इस्लामिया के मैदान में, तो इसके जवाब में वो भी नुपुर शर्मा की हिमायत में प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोग काली पट्टियां बांध कर निकलेंगे तो कुछ लोग धरने की भी बात कह रहे हैं। परमिशन मांगने आया साहब, ये सुश्री नुपुर शर्मा को जो जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं,
इसके विरुद्ध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा 18 जून 2022 को अपना काली पट्टी बांधकर इसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जाहिर करेगी और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेगी। नूपुर सरबा प्रकरण में मौलाना तौकीर रजा ने 17 तारीख को इस्लामिया इंटर कॉलेज में अवैध तरीके से एकत्र होने का आह्वान किया है। धारा 144 शहर में लगी हुई है। मैं जिलाधिकारी महोदय से माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने आया हूं कि समय रहते मौलाना तौकीर रजा पर कार्रवाई की जाए ताकि 2010 और 12 की तरह बरेली शहर में दोबारा कोई ऐसी घटना न घटे कि कर्फ्यू लगाना पड़े और शहर दंगे की आह्वान में आए, तो इसलिए समय रहते उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी 10 तारीख को मौलाना तौकीर ने कहा है, नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उस बयान को लेकर मौलाना तौकीर ने धमकी दी है कि हम नूपुर के खिलाफ जो है इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करेंगे। उसी को लेकर के आज हमारे अखंड भारत गौरव ट्रस्ट के पदाधिकारी आदरणीय कप्तान साहब से मिलने आए हैं कि 10 तारीख को यदि वो इस्लामिया ग्राउंड में अपना कार्यक्रम करते हैं और शासन अगर उन्हें परमिशन देता है तो सर्वप्रथम तो धारा 144 का उल्लंघन होगा, और यदि उल्लंघन होगा तो हिंदू समाज भी अब चुप नहीं बैठेगा, तो धारा 144 का उल्लंघन हम लोगों की तरफ से भी होगा। हमारी देश की बेटी नुकुल शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से गतिविधियाँ चल रही हैं कि देश की बेटी सबकी बेटी है, उसके इंसाफ होना चाहिए। अगर उसने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए न्याय है, न्यायपालिका है, वहाँ जाइए। आप देखिए, मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू में आक्रोश है। इसलिए कर्णी सेना ये मांग करती है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, उनको तत्काल जेल में डाला जाए। जहाँ तक पुलिस का या प्रशासन का सवाल है तो पुलिस या प्रशासन ने अभी किसी के भी धरने को इजाज़त नहीं दी है। भले ही मौलाना तौकीर रजा खां का ये दावा है कि उन्हें प्रशासन ने 19 जून के धरने के लिए परमिशन दे दी है, लेकिन परमिशन का आदेश अभी लिखित दिखाई नहीं दिया है। IMC के दूसरे पदाधिकारी भी ये कह रहे हैं कि जल्द ही परमिशन उनके हाथ में आ जाएगी। जनपद बरेली में कल के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इसमें शहर में सेक्टर और जोनल स्कीम लागू कर दी गई है, साथ ही साथ जो पुलिस बल हमें अतिरिक्त प्राप्त हुआ है उसका भी व्यवस्थापन कर लिया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है, कोई भी व्यक्ति भड़काऊ या नफरत फैलाने वाला कमेंट या पोस्ट ना करे, नहीं तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी हमारे पास 7 से अधिक मुकदमे हमने पंजीकृत किए हैं, जिसमें कि हमने 3 गिरफ्तारियां भी इसमें की हैं। साथ ही साथ सभी धर्मगुरुओं के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है, शांति समिति की मीटिंग थाना स्तर पर चौकी स्तर पर की जा रही है। इसके अलावा हमारा जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनसे भी मीटिंग की जा चुकी है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करे जिससे कि शहर की अमन और चैन में जो खलल पैदा हो। इसके अलावा जो हमारे पास PAC और रैपिड एक्शन फोर्स प्राप्त हुआ है उसको ऐसे स्थानों पर लगाया जा रहा है जो संवेदनशील है, ड्रोन कैमरे के द्वारा निगरानी की जा रही है, तो हमारे पास सारे संसाधन मौजूद हैं और कोई भी शहर की शांति व्यवस्था में कोई भी खलल पैदा करने नहीं दिया जाएगा।